देखिए, संजय निरुपम जी 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए, 2019 में लोकसभा का चुनाव हार गए। संजय निरुपम जी अभी कांग्रेस पार्टी में किसी भी बड़े पद पर नहीं है, शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठकों में या महाविकास अघाड़ी की बैठकों में संजय निरुपम जी को कांग्रेस पार्टी नहीं बुलाती है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहाँ से लड़ेगा, शिवसेना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहाँ से लड़ेगा। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें, जब वो सीट हमारी है। हाँ, आपकी सीट होती और हम उतार देते तो यह गलत बात होती, यह मित्रता का जो हमारा पक्ष है उसके खिलाफ जाता, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। अमोल कीर्तिकर भैया पर ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि वो कोई दोषी हो गए हैं, तो इन सब चीजों को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, एक व्यक्तिगत उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है, कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से कहें, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या खुलेआम कहें। अब कांग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभीरता से लेती है नहीं लेती है कांग्रेस पार्टी जाने, हमारी पार्टी शिवसेना का सीधा मतलब है कि जो सीटों पर जो 19 में जीता था वो सीट मांग रहा है, उसका उम्मीदवार वहां से लड़ेगा। तो इसमें कोई विवाद भी नहीं है, कोई मतभेद भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हम संपर्क में भी हैं, तो किसी को किसी समस्या होने का कोई कारण नहीं है। महाविकास अघाड़ी के तमाम जो नेतागण हैं उनसे मेरी पूरी विनम्रता पूर्वक ये सवाल है, और इस सवाल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बुरा भाव नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एमबीए की लगभग दो दर्जन से ज्यादा मीटिंगें मुंबई में और दिल्ली में सीट शेयरिंग पर हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेतागण एमवीए की मीटिंगों में शामिल होते हैं उनसे मैंने स्वयं पूछा तो उन्होंने कहा कि लगभग 8-9 सीटों के ऊपर अभी भी वाद विवाद चल रहा है और इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया, और उन 8-9 सीटों में उत्तर पश्चिम मुंबई की भी सीट है, ये मुझे 2 दिन पहले भी बताया गया। यानी अभी तक जब कोई फैसला नहीं हुआ तो कल अंधेरी ईस्ट के नागरदास रोड के नाके पर शिवसेना के प्रमुख आते हैं और अपने उम्मीदवार का एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा करके चले जाते हैं। सबसे पहली बात, यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। जब तक एमवीए फाइनल लिस्ट नहीं करती और अधिकृत तौर पर घोषित नहीं करती तब तक कम से कम उन सीटों पर जिन सीटों पर आज भी दावेदारी चल रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उन सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि पूरी विनम्रता पूर्वक मैंने खासकर शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा। दूसरी बात यह है कि जिस उम्मीदवार को लेकर के आग्रह है वो उम्मीदवार कौन है? वो उम्मीदवार यहाँ के जो खासदार रहे हैं उनके सुपुत्र हैं और वो ऑलरेडी ईडी घोटाले, ईडी की छानबीन में, ईडी की जांच में पकड़े गए हैं। और घोटाला क्या है भाई? खिचड़ी घोटाला। अब मैं ये बोलूंगा तो लोग बोलेंगे साहब आप शिवसेना पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि खिचड़ी घोटाला हुआ। सच यह है कि जो खिचड़ी कोविड के जमाने में जो गरीब मजदूर लोग थे, मुंबई में रहने वाले लोग, खासकर उत्तर भारत के लोग जो थे, उसमें दक्षिण भारत के भी लोग थे और मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से भी आए हुए मजदूर वर्ग के लोग थे, उन सारे मजदूरों को जो तकलीफ हो रही थी कोविड के जमाने में, उनके पास खाने खाने को एकदम तकलीफ थी, दाने दाने को मोहताज हो गए थे, ऐसे गरीब मजदूरों के लिए एक बहुत ही सुंदर अच्छा अभियान महानगर पालिका की तरफ से शुरू किया गया था और इन गरीब मजदूरों को फ्री में, मुफ्त में खिचड़ी बांटा जाता था। उस कुछ खिचड़ी के बहुत सारे पैकेट मेरे पास भी आए थे और मैंने भी यहाँ बहराम बाग में और अलग अलग जगहों पे मैंने भी बांटे थे। तो महानगर पालिका के बड़ा अच्छा उपक्रम था और उस उपक्रम में उस समय के जो शिवसेना के लोगों ने भयंकर घोटाला किया और जो सप्लायर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे कमीशन खाया। तो गरीब मजदूरों की खिचड़ी या मुफ्त खाने में कमीशन खाने वाले व्यक्ति को आप इतना जिद करके उम्मीदवार क्यों बना रहे? क्या कमीशन का हिस्सा आप लोगों के पास भी आया है क्या? ये सवाल है।
दूसरा सवाल यह है कि क्या ऐसे कमीशन खोर के लिए शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाएगा कि आप इनका प्रचार करें? ये सब मेरे सवाल हैं, और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जो कल घोषणा की गई उस घोषणा को वापस लीजिए, और जब तक एमबीए की मीटिंग में सारी सीटों के ऊपर एक फाइनल निर्णय नहीं हो जाता, अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई भी पार्टी किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर सकता। सर, इस पर अमोल कीर्तिकर का एक जवाब आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम को कुछ कहने से पहले अपने नेताओं से बातचीत करनी चाहिए, ये सीट हमेशा से शिवसेना की रही है, उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो कांग्रेस जो बात कर रही है, जो संजय निरुपम बात करे, पहले अपने नेताओं से बात कर ले, फिर किसी भी चीज का दावा करें, और ईडी के कंप्लेन में मेरा नाम भी दिखा दें अगर है तो। रह गई बात कि ये परंपरागत रूप से शिवसेना की सीट है, ये जो दावा है, ये जो साहब ने मुझे जवाब दिया है, जब ये पैदा नहीं हुए थे ना तब से ये सीट कांग्रेस की है। 1962 में इस इलाके से, इस सीट से चुनकर गए थे वीके कृष्णा मेनन, और दो दो बार चुनके गए। उसके बाद 62 के बाद इसी इलाके से, इसी सीट से चुनके गए थे एचआर गोखले, जो इस देश के कानून मंत्री तक थे इंदिरा जी की जब सरकार थी तब। और उसके बाद सुनील दत्त साहब चुनके जाते हैं यहां से, और एक ने कई बार इसी उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से, और उसके बाद गुरदास कामत भी यहां से चुनके जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि शुरू से शिवसेना की सीट रही है। रह गई बात मेरी अपनी भूमिका की, तो हां मैं लड़ा, हार गया, लेकिन हारने के दूसरे दिन, जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और जितना जितना यहां के सांसद या खासदार महोदय नहीं घूमे उनसे ज्यादा मैं लोगों के संपर्क में हूं, और ऐसे में बगैर कुछ बातचीत किए, बगैर लोगों से चर्चा किए, बगैर लोगों कॉन्फिडेंस में लिए, इस प्रकार की घोषणा आपत्तिजनक है। रह गई बात मुझे अपने नेताओं से बात कर, मैंने तो बताया, मैंने अपने नेताओं से तो बात की है, और उन्होंने बताया है कि ये पूरा डिसीजन पेंडिंग है, और जब डिसीजन पेंडिंग है तो आगे बढ़ के घोषणा करने की क्या हो सकता है। अरविंद सावंत जैसे बड़े नेता भी कह रहे हैं कि उद्धव जी ने ये नाम इसलिए घोषित किया क्योंकि कहीं ना कहीं बैठक में ये बात नाम सामने आया है और डिसीजन फाइनल हो गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब सीट ही अलॉट नहीं हुआ है शिवसेना को तो नाम की चर्चा कैसे हो सकती है? निश्चित तौर पर नाम तय करने की जिम्मेदारी उस पार्टी की है, जिस पार्टी के पास सीट जाएगी उस पार्टी को अपना उम्मीदवार तय करने का हक है, लेकिन जब तक सीट अलॉट नहीं होती, आवंटित नहीं होती, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता, तब तक इस प्रकार से किसी भी कैंडिडेट की घोषणा करना आपत्तिजनक है। जिस तरीके से आप भी उम्मीदवार आएंगे, सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सीट का बंटवारा हुआ और ये जगह शिवसेना को गई, तो आप उनका प्रचार करेंगे क्या? अब तो अभी जब ये तो हो गया हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जब आसमान गिरेगा तो आप जमीन पर रहेंगे कि आसमान पर रहेंगे, ये बात है ना, तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा सख्त ऐतराज रहेगा, और ऐतराज है, और आज आपके सामने। आप चुनाव लड़ेंगे क्या? बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, मैं पूरे 5 साल तक अपने क्षेत्र में, गली गली में, हर मोहल्ले में, हर कार्यक्रम में, हर कार्यकर्ता